यमन में पिछले दो सालों से चल रहा गृह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विद्रोहियों और सरकार समर्थक बलों के बीच ताजा हवाई हमलों और तीखी झड़पों में पिछले 24 घंटे में 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दरअसल सऊदी गठबंधन सेना ने पिछले 24 घंटों में यमन में 45 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें 70 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मेडिकल और सुरक्षा सूत्रों की माने तो सऊदी नीत गठबंधन के हवाई हमलों और बाब अल मंदाब जलमार्ग के नजदीक संघर्ष में शिया विद्रोहियों और पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले से जुड़े कम से कम 52 लड़ाकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही संघर्ष में सरकार समर्थक बलों के 14 सदस्य भी मारे गए हैं। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन संभालते ही अमेरिकी ड्रोन हमले में यहां के दक्षिणी प्रांत में 2 अलकायदा आतंकियों को मार गिराया गया है, तो वहीं सऊदी गठबंधन सेना के हवाई हमले में 1 स्कूल को भी निशाना बनाया गया है। विद्रोहियों की तरफ से चलाई जाने वाली समाचार एजेंसी सबा के मुताबिक स्कूल पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन अभी तक इस हमले में किसी की भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो यमन में पिछले 2 सालों से चले आ रहे गृह युद्ध में अभी तक करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में सरकार और विद्रोहियों के बीच जारी हवाई हमले कब थमेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।